हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नरेश तादरवाल। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की एक पोइम जिसका नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम, जो कि स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर इस पोइम में स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले मैं टाइटल क्लियर कर देता हूँ, एन एलिमेंट्री का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो स्कूल, जिससे कि फर्स्ट सेकेंड यानी कि जब बच्चा स्कूल अपनी शुरू करता है, और वो कहाँ बना हुआ है, स्लम एरिया में। स्लम एरिया आप जानते हैं, झुग्गी झोपड़ी या कच्ची बस्ती वाली जगह। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टेफन स्पेंडर दो तरीके की चीज़ें हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा इस पोएम में, इस स्टेंजा में। उस जगह को बताया गया है जिस जगह पर ये क्लासरूम बना हुआ है, और वहाँ पर जो बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी उनके लिए व्यवस्था की गई है, वो कैसी है या फिर वो बच्चे कैसे हैं। यहाँ पर इस पोइम की बेसिक थीम यह है कि रिच सोसाइटी, पुअर सोसाइटी या बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे रहते हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है और हमारी सोसाइटी उनके प्रति कैसा ध्यान रखती है। तो चलो पढ़ लेते हैं। फार फार फ्रॉम दी गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के फेसेस गस्टी वेव्स से काफ़ी दूर हैं। इस लाइन का मतलब यह है, गस्टी वेव्स का मतलब होता है वो जगह जो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे ब्यूटीफुल नहीं हैं। वो नेचुरल जो चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, डिफरेंट हैं। इट मीन्स कि ये बच्चे देखने में आकर्षक या सुंदर नहीं लगते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स दी हेयर टॉर्न देयर पैलोर, ये बच्चे तो उस रूटलेस वीड्स की तरह हैं, उस अनचाही घास की तरह हैं जो एग्रीकल्चर के टाइम पर या गार्डन में अनवांटेड ही उग जाती है, जिसको कोई भी जो माली है, मालिक है, वो उखाड़ करके फेंक देता है। तो ये बच्चे उस रूटलेस वीड्स की तरह हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं करता है। इनडायरेक्टली इन बच्चों के लिए कहा गया कि इन बच्चों को कोई भी लाइक नहीं करता है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलोर, इनके बाल उलझे हुए हैं और अपने सिर में फैले हुए हैं। मतलब कि जैसे कि एक रिच सोसाइटी के बच्चे होते हैं या फिर नॉर्मल जो फैसिलिटीज वाले बच्चे होते हैं, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये रूटलेस वीड्स के समान है जिनको कोई भी पसंद नहीं करता है, दूसरा इनके बाल उलझे हुए हैं और एक तरीके से गुथे हुए हैं या बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो एग्जाम्पल पॉइंट हमारे सामने क्रिएट करेगा स्टेफन स्पेंडर। The tall girl with her way down head, the paper seeming boy with red eyes, बहुत ही ज़्यादा दयनीय दुखद स्थिति का वर्णन इन लाइन्स में किया गया है कि इस स्लम एरिया के क्लासरूम में दो बच्चे हैं और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो दो एग्जाम्पल हमको बताता है। The tall girl with her way down head, इस क्लासरूम में एक लंबी हाइट या लंबे कद की लड़की है, वो सिर झुका करके बैठी हुई है। बच्चों यहाँ पर वे डाउन हेड का मतलब होता है कि वो सिर झुका करके बैठी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, चिंतित है, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इस वजह से, इस वजन की वजह से, इस वेट की वजह से उसका सिर झुका हुआ है। इट मीन्स कि उसके लाइफ में या फिर इन बच्चों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए उस लड़की का सिर झुका हुआ है। मतलब कि यहाँ पर सभी बच्चों की स्थिति को बताया गया है, लेकिन एग्जाम्पल लड़की का दिया गया है। The paper seeming boy with red eyes, यहाँ पर इस क्लासरूम में एक लड़का भी बैठा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम में एक लड़का यानी एक बॉय भी बैठा हुआ है जो पेपर सीमिंग है, यानी काफ़ी ज़्यादा हल्का है, काफ़ी ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा बीमार और सिक वो लग रहा है। यहाँ द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज, यहाँ पर एक पेपर सीमिंग यानी कागज़ के समान पतला लड़का बैठा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा पतला या नाजुक है, और उसकी आँखें रेड्स के समान हैं। उसकी आंखें किसके समान है, रेड्स के समान है, जैसे कि चूहे की आंखों में एक लाल कलर हमें नज़र आता है, वैसे ही उस बच्चों की आंखों में उसके पेट की भूख नज़र आ रही है, इसलिए बच्चे को पेपर सीमिंग कहा गया है और उसकी आइज़ को रेड की आंखों से कंपेयर किया गया है। दी स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रैनर डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा स्टंटेड है यानी अनडेवलप्ड है, उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है, सुख सुविधाओं की कमी की वजह से, एक ऐसी जगह पर रहने की वजह से जो कि स्लम एरिया है, वो स्टंटेड है यानी अनडेवलप्ड है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, और उसको अपने फादर का अनलकी हेयर कहा गया है। अनलकी हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, उसको उसके फादर से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, ये एक कमज़ोर सा शरीर उसको मिला है, पोइट स्टेफन स्पेंडर ऐसा कहते हैं। ट्विस्टेड बॉन्स यानी हड्डियों का कंकाल उसको उत्तराधिकार में मिला है, जिसके फादर के उत्तराधिकार से मिला है। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रैनर डिजीज, वो इस क्लासरूम में बैठा हुआ है, अपने पाठ को पढ़ रहा है अपने डेस्क पर बैठ करके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा
अपने पिताजी की बीमारी का वर्णन कर रहा है जो उसके उत्तराधिकार में उसे मिली है। तो यहाँ पर इन लाइन्स में पोइट बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहा है उन बच्चों का, कि वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, अनडेवलप्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। और दो एग्जाम्पल, एक टॉल गर्ल का और एक पेपर सेविंग बॉय का इसमें लिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा दुख दुख हमें फील कराता है, सैडनेस हमें फील कराता है। आगे, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, इस अंधेरी क्लास के पीछे की साइड में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो कि अननोटेड है, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। स्वीट यानी वो काफ़ी प्यारा है और बहुत ही छोटा है, स्वीट यानी यंग प्यारा है और यंग यानी काफ़ी छोटा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम, उसकी आंखों में एक सपना है और वह क्लासरूम के बाहर जो स्क्वायरल गेम खेल रही हैं, इन ट्री रूम, पेड़ पर उनका घर बना हुआ है स्क्वायरल्स का, उसको देख रही हैं। अदर देन दिस, उसका पढ़ने में मन नहीं है, एक्चुअल में उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, वो तो क्लासरूम के बाहर जो पास में जो पेड़ है उसके ऊपर जो स्क्वायरल का गेम चल रहा है उसको वो देख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट और यंग है। इन लाइन्स के मीडियम से, इन लाइनों के माध्यम से पोइट ये कहना चाहते हैं स्टेफन स्पेंडर कि वो बच्चे भी उस स्क्वायरल की तरह फ्रीडम चाहते हैं, इस प्रकार की जो स्लम एरिया है इससे बाहर निकलना चाहते हैं और वो एक सपना अपनी लाइफ के लिए सजो के रखे हैं, लेकिन ऐसा पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके लिए जो गवर्नमेंट और वो चीज़ें हैं हमारे लिए कर नहीं पाती हैं। तो देखते हैं आगे स्टिंजा में क्या कहा गया है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, कि इस क्लासरूम जो कि स्लम एरिया में बना हुआ है, इस क्लासरूम में इसकी सौर क्रीम वॉल्स पर, यहाँ पर क्लासरूम की दीवारों को सौर कहा गया है, यानी कि फेड कलर होता है वो, जो कि फीका पड़ गया है, गंदा है, धुंधला है, कि इस क्लासरूम की गंदी सी दीवारों पर बहुत सारे डोनेशंस लगे हुए हैं। डोनेशंस मतलब कि लोगों, बड़े लोगों के द्वारा दान में दी गई चीज़ों को क्लासरूम में लगा रखा है। डोनेशंस शेक्सपियर हैड, उन डोनेशंस में एक है महान जो पॉइंट है हमारे विलियम शेक्सपियर का, एक चित्र कि क्लासरूम की भद्दी दीवारों पर बहुत सारे डोनेशंस लगे हुए हैं, उनमें से एक शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का चित्र भी है। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डॉम ऑल राइडिंग ऑल सिटीज, सुबह का समय है और सुबह के समय पर पूरा आसमान खुला है, बहुत ही चमक रहा है, क्लाउडलेस है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, जैसे जैसे सनराइज हो रहा है और रोशनी फैलती जा रही है, तो पूरे शहर में, पूरा शहर जो क्लासरूम से दूसरी जगह का है, रिच प्लेसेज हैं, हायर सोसाइटी की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा सब नज़र आ रहा है, और उन पर, उनके उस रिच सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े इमारतें और बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, पूरे शहर में राइड कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि स्लम एरिया के बजाय ये जो जगह है, दूसरी जो जगह है, वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड और अच्छी है। बेलार्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग दी वर्ल्ड सिट वर्ल्ड, यहाँ पर स्टेफन स्पेंडर कहते हैं कि उस क्लासरूम की दीवार पर बहुत सारे डोनेशंस की चीज़ें लगी हुई हैं, उनमें से विलियम शेक्सपियर का एक चित्र भी है जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लगाया गया है। लेकिन ध्यान देना, क्लाउडलेस एट डॉन सुबह का समय है, पूरे शहर पर जैसे जैसे सनराइज हो रहा है तो पूरे शहर की बिल्डिंगें और इमारतें दिख रही हैं जो अपने अच्छे होने का दावा कर रही हैं और स्लम एरिया से काफ़ी डिफरेंट हैं। दो तरीके के वर्ल्ड यहाँ पर स्टेफन स्पेंडर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दूसरी जगह है जो स्लम एरिया से बाहर की है, बेल्ड है फ्लावरी टायरोलेस वैली, यहाँ पर ऑस्ट्रिया की घाटी टायरोलेस वैली का जिक्र किया गया है, जिसमें चारों ओर मंदिरों में या फिर चर्च में जो घंटियाँ हैं, पूजा का समय है, प्रेयर का समय है, सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं या फिर चर्च में जा रहे हैं और घंटियों की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं, और पूरी की पूरी टायरोलेस वैली खुशनुमा है क्योंकि पूरी घाटी पर फूल खिले हुए हैं। उस क्लासरूम में एक ओपन हैंडेड मैप भी है, ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग दी वर्ल्ड इज वर्ल्ड, उस क्लासरूम में विलियम शेक्सपियर का डोनेशन का एक चित्र भी टंगा हुआ है, एक है ओपन हैंडेड मैप, यानी कि ये ओपन हैंडेड मैप क्यों कहा गया है, क्योंकि इस दुनिया के तानाशाहों के द्वारा इस दुनिया के मैप को अपने ही हाथों से, अपनी मर्जी से बदल दिया गया, जिस क्लासरूम में ये बताता है कि हमारी सीमा यहाँ तक है। एंड अवार्डिंग दी वर्ल्ड इट वर्ल्ड, जो ये बात का दावा कर रही है कि दुनिया ऐसी है, संसार ऐसा है, इन बच्चों को ये बताया गया है कि आपकी दुनिया ऐसी है।
ओपन हैंडेड मैप इसलिए कहा गया है कि लोगों ने, तानाशाहों ने, शक्तिशाली लोगों ने, जिनका एक तरीके से राजतंत्र चला आ रहा था, उन्होंने अपनी इच्छा से वर्ल्ड मैप को क्रिएट किया है, हाथ से डिजाइन किया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। ध्यान रखना स्टेपन स्पेंडर क्या कहना चाहता है, एक इसमें बहुत ही शानदार सा मैसेज देता है हमें और कहता है कि येट, लेकिन फिर भी, क्लासरूम होने के बावजूद भी, विलियम शेक्सपियर का चित्र लगा देने के बावजूद भी, बहुत अच्छा डोम, सिविलाइज सब सब समाज होने के बावजूद भी, उस क्लासरूम में वर्ल्ड मैप लगा देने के बावजूद भी, ये जो मैप है वो इन बच्चों के लिए नहीं है, ये मैप उन बच्चों का नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कि उनकी दुनिया ये दुनिया नहीं है जो इस मैप में बताई जा रही है, क्योंकि उनकी दुनिया तो ये विंडो है, इस क्लासरूम की विंडो है जहाँ से ये बच्चे कभी निकलेंगे और उस अच्छे संसार को देखेंगे जिनकी सपने ये देखते हैं। स्लम एरिया से बाहर निकलने की बात यहाँ पर पोइट कहता है, वी आर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, क्योंकि इनकी दुनिया तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और तो और जहाँ पर इनका पूरा का प्यूरा फ्यूचर फॉग यानी धुंध से पेंट कर दिया गया है, चित्रित कर दिया गया है। इसलिए ये वर्ल्ड मैप उनका वर्ल्ड मैप नहीं बनेगा, ये दुनिया उसको नहीं अपना पाएगी जब तक कि ये खिड़कियाँ इनके लिए ये मैप नहीं बनेंगी, जब तक ये क्लासरूम से या फिर इस जगह से बाहर नहीं निकलेंगे। आगे देखते हैं और उनकी जगह कैसी है। एंड नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लैड स्काई, यहाँ पर स्लम एरिया की बात फिर से करता है स्टेपन स्पेंडर, कहता है ए नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लैड स्काई, कि स्लम एरिया की जो जगह है वो एक पतली या सकड़ी या तंग गली है, वहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, और तो और वो नैरो स्ट्रीट को इन लोगों ने, तानाशाह लोगों ने, या फिर हम कहें कि रिचर लोगों ने, गवर्नमेंट ने सील कर दिया है, यानी क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है एक लैड, लैड का मतलब शीशे के आसमान से, जहाँ पे वो उसके अंदर ही रहने के लिए मजबूर हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि इनकी दुनिया, इनका जो क्ला, ये जो स्लम एरिया है वो काफ़ी दूर है नदियों से, झरनों से, और तो और किताबों के शब्दों से। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली स्टेपन स्पेंडर ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दो तरीके के वर्ल्ड यहाँ पर, एक वो बताता है एक स्लम एरिया कैसा है और हमारी दुनिया में उनमें क्या ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो कहता है कि ये वर्ल्ड उनका नहीं है, इनका वर्ल्ड तो ये विंडोज़ बनेंगी जिनसे कभी ये पढ़ लिख करके बाहर निकल पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेफन स्पेंडर आगे क्या कहते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल। स्टेफन स्पेंडर ऐसा कहते हैं कि क्लासरूम में जो विलियम शेक्सपियर का जो चित्र लगाया गया है, जो पिक्चर लगाई गई है डोनेशंस के थ्रू, श्योरली सच में शेक्सपियर इज विक्ट, सच में शेक्सपियर का मजाक बनाया गया है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, जो और जो बच्चों की क्लासरूम में जो ओपन हैंडेड मैप लगाया गया है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनकी रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, इसलिए इन दोनों चीज़ों को वो बैड एग्जाम्पल कहता है, बिकॉज देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द रिच सोसाइटी एंड द पुअर सोसाइटी। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और इस शहर की जो दृश्य हैं, जो शिप्स यानी आकर्षक चीज़ें, जहाज, सनराइज, ये सारी की सारी चीज़ें, और ये जो जिस तरीके का लव उन्हें देना चाहते हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, देम यानी उनको आकर्षक करते हैं कुछ चीज़ें चुराने के लिए। फॉर लिव्स दैट साइली टर्न इन टू देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, वो लाइफ, वो लोग, या फिर वो स्लम एरिया के बच्चे जो धीरे धीरे चुपके से क्रैम्प्ड हॉल्स में बैठे हुए हैं, यानी अपनी फॉगी स्लम एरिया में, अपने छोटे कमरों में जो बैठे हुए हैं, उन फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन टू देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, वो लोग, वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार हैं, बैड एग्जाम्पल हैं, और उनको कुछ चीज़ें चुरा लेने के लिए मजबूर करते हैं, उत्साहित करते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो एक छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में गुजरा है। फॉर फ्रॉग फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि वहाँ पर उनकी लाइफ को फॉग से अब एंडलेस नाइट में बना दिया गया है, जहाँ से वो शायद कभी भी निकल बाहर नहीं पाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो स्टेफन स्पेंडर इन लाइन्स के द्वारा ये कहना चाहता है कि दोनों जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। शेक्सपियर का मजाक बनाया गया है और मैप एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके लिए वो दोनों चीज़ें ही बेकार हैं, यूजलेस हैं, उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन
वी आर स्किन्स पीप थ्रू बाई बॉन्स एंड स्पेक्टर्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, यहाँ तक पढ़ते हैं। ओन देयर स्लैग हीप, वो बच्चे उनका जीवन हमेशा ही शुरू से लेकर अब तक एक स्लम एरिया में गुजरा है और वो हमेशा ही कचरे के ढेर के आसपास रहते हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाई बॉन्स, और ये बच्चे इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, इतने ज़्यादा एक तरीके से वीक हैं कि ये बीमार जैसे लगते हैं और इनके शरीर से हड्डियाँ झांकती हैं, बिल्कुल हड्डी या फिर कंकाल जैसे लगते हैं। वियर स्किन पीप थ्रू बाई बॉन्स, ऐसा लगता है कि हड्डियों ने स्किन के कपड़े पहन रखे हैं। एंड स्पेक्टल ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, और उनके जो फेस है, उनका जो फेस है, उनकी आंखें हैं, वो अंदर तक चली गई हैं और उनकी आंखों को देख करके ऐसा लग रहा है कि एक मोटे हड्डियों का जो घेरा है वो बन गया है, जिसको पॉइंट मेंडेड ग्लास कहता है। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, ये बच्चे कचरे के ढेर के आसपास रहते हैं। यहाँ पर कंपेरिजन विल स्टेफन स्टैमर ऐसा कहते हैं कि ये बच्चे कांच के टुकड़ों के समान लगते हैं। पत्थरों के ऊपर जो कांच पड़े रहते हैं, कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो दूर से ही चमकते हैं, तो कचरे के ढेर के आसपास जब ये बच्चे रहते हैं तो वो अजीब लगते हैं और वो बोटल बिट्स की तरह लगते हैं, कांच के टुकड़े जैसे लगते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस फॉगी स्लम, सारा का सारा समय और उनकी जो जीवन है वो केवल वो स्लम एरिया ही है, फॉगी, जहाँ पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। फॉग का मतलब यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज़ नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए उन्होंने अपने इस मैप को ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, क्योंकि ये मैप उनके लिए एक धब्बा है, या फिर हम कहें देयर मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम, क्योंकि ये स्लम एरिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना कि ये शहर है, या फिर ये शहर तब तक रहेगा जब तक कि डूम्स डे आएगा और वो कभी भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कि उनका उनका जीवन तो स्लम एरिया में ही गुजर गया है। स्टेफन स्पेंडर आगे क्या कहते हैं देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैक्टापॉन्स, कि ये जो स्लम एरिया के जो स्टूडेंट हैं या फिर स्लम एरिया के रहने वाले जो लोग हैं, वो तब तक उस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनको अच्छी लाइफ तब तक नहीं मिल पाएगी अनलेस, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर तीन लोगों से स्टेफन स्पेंडर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अर्ग कर रहे हैं कि जब तक एजुकेशन को देखने वाले लोग, इंस्पेक्टर उनकी जांच परख करने वाले लोग, एंड विजिटर जो मौका मुआयना करने वाले जो लोग आते हैं, तब तक वो सही स्टेप नहीं लेंगे, तब तक ये स्लम एरिया के बच्चे उसी जगह पर रहते रहेंगे और उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएंगे, स्टेफन स्पेंडर ऐसा कहते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैक्टाकॉम, कि अगर ये सारे के सारे लोग, गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर, अपना सही वर्क करें, इन बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें, तो ये मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये जो मैप है वो उनके लिए इस दुनिया में बाहर जाने की एक विंडो बन जाएगा। एंड दीज विंडोज, और ये विंडोज उनके लिए मैप बन जाएंगी। दैट सट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैक्टाकॉम्स, क्योंकि उनका जीवन तो एक उस तरीके से उस स्लम एरिया में बंद गया है जैसे कि वो एक कब्रिस्तान हो या तहखाने में बनी हुई कोई कब्र हो, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें कैद रहती हैं, तो वो लोग तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। कैक्टाकॉम का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कब्रिस्तान या फिर हम कहें कि तहखाने के अंदर बना हुआ कब्रिस्तान है, उनका जीवन वहाँ पर कैद है। जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर फोकस नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करेंगे, तो ये मैप उनके लिए, ये विंडो नहीं बन पाएगा, इस दुनिया में बाहर जाने का रास्ता नहीं बन पाएगा। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक दी टाउन एंड सो दी चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मैप देयर वर्ल्ड, रिक्वेस्ट करता है स्टेफन स्पेंडर हमसे और जो भी इस कंट्री को या किसी भी देश के जो शासक हैं उनसे कहता है। ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक मतलब कि तोड़ दो इनकी इन जंजीरों को, ओपन टिल दे ब्रेक दी टाउन,
और तब तक तोड़ दो, वो बिल्कुल उनको आज़ाद कर दो, इंडिपेंडेंट कर दो, उनको उन स्लम एरिया से बाहर निकालो और उनके लिए भी कुछ डेवलपमेंट की चीज़ें करो। ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो दी चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मैक देयर वर्ल्ड, कि उन बच्चों को भी अब वो चीज़ें दिखाओ, स्लम एरिया से उनको बाहर निकालो और हरे भरे ग्रीन जो चीज़ें हैं, ग्रीन जो फील्ड्स हैं, जो नेचर है, उसको दिखाओ ताकि वह उनसे इंस्पायरिंग ले सके एंड मैक देयर वर्ल्ड, और वहाँ पर वो अपनी दुनिया बना सके, इस दुनिया में जा कर के वो अपना खुद का वर्ल्ड वो क्रिएट कर सके या फिर वो अपनी तरह जी पाए। रन ओजर एंड गोल्ड सेंट्स एंड लेट देयर टंग रन नेक इन टू बुक्स, वो कहते हैं स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर ऐसा कहते हैं कि उनको दौड़ने दो। रन ओजर ऑन गोल्ड सैंड, समुद्र के किनारे पर जो चमकीली गोल्डन जो कलर की रेत है उसके ऊपर दौड़ने दो। समुद्र की जो वेव्स हैं जिनको शुरुआत में गस्टी वेव्स बताया गया था, तो वहाँ पर उनको जाने दो। एंड लेट देयर टंग रन नेक इन टू बुक्स, और उनको किताबें पढ़ने की आज़ादी दो। नेक रन नेक का मतलब होता है कि खुले रूप से उनको पढ़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स, की हरी हरियाली इस देश की नेचर या किसी भी जगह की नेचर जब आप उनको दिखाएंगे, प्रकृति से उनको रूबरू कराएंगे, तो उनको वास्तविक लाइफ कैसी होती है इस बात का पता चलेगा। और किताबें पढ़ करके वे अपनी एक तरीके से जो जंजीरें हैं गुलामी की या फिर जो स्लम एरिया में जो अपना जीवन जीते हैं उनको तोड़ देंगे। स्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ दी सन, स्टीफन स्पेंडर। लास्ट लाइन बहुत ही इंप्रेसिव है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, स्टेफन स्पेंडर ऐसा कहते हैं कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी लैंग्वेज सन के समान होती हैं, यानी कि जिनकी कल्चर, जिनकी कस्टम, जिनकी भाषा सूर्य के समान चमकती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। जिनकी कल्चर इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, वो इतिहास के रचनाकार होते हैं, क्रिएटर ऑफ द हिस्ट्री होते हैं। तो ओवरऑल पोइम में स्टेफन स्पेंडर ने हमें काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है, और ये कंपैरिजन किया गया है कि स्लम एरिया के बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से उनको वहाँ से आज़ाद किया जा सकता है। और तो और दोनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो बताता है, एग्ज़ाम के लिए पोइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये पोइम काफ़ी समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक करें और कमेंट्स करें।